प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य। आपने देखा कि जैसे ही सुबह हुई और अर्घ देने के लिए छठ घाटों पे छठ व्रतियों की भीड़ लग गई। आप देख सकते हैं, सीधा हम आपको दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पर कि कैसे यहाँ पे अर्घ देने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है और इसी के साथ महापर्व छठ की समापन हो रही है। चार दिवसीय जो ये व्रत है काफी कठिनाइयों के साथ महिलाएं करती हैं और इसी को लेकर के यह त्यौहार थोड़ा सा इधर आइए। बताइए, अब तो ये छठ त्यौहार लगभग संपन्न हो गया, काफ़ी कठिन गुजरा होगा 4 दिन का जो होता जी? बहुत, ये तो पूरे बिहार का प्रमुख पर्व है, तो हम सभी बिहारवासी जो हैं इसको बहुत श्रद्धापूर्वक करते हैं और पूरे परिवार में एक जश्न का माहौल रहता है। पूरे परिवार पूरा सपोर्ट करते हैं, हम लोग का काम मतलब कि बहुत आधा भी कर दिया जाता है, पूरे परिवार हाथ बटाते हैं इस कार्य में, तो ये बहुत अच्छा ही लगता है। इस पर्व को करके हम लोग बहुत खुश रहते हैं। भगवान कैसा लगा इस बार घाटों पे जो भीड़ है देखने के बाद से? घाटों पे भीड़ पहले से तो बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है और हम लोग बहुत प्रसन्न भी हैं। अब फिर अगले साल की तैयारी? बिल्कुल होगी, अगले साल की होगी, हर पर्व की होगी। बिल्कुल, आपने देखा कि कैसे एक छठ व्रती महिला हैं, इनसे बातचीत हुई है और बिल्कुल इनका कहना है कि देखिए काफ़ी थोड़ी सी कठिन हो जाती है और 4 दिवसीय कार्यक्रम है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि नदी तीरे जो छठ व्रती हैं वो पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे अर्घ देने का जो सिलसिला है चल रहा है, लगातार हम बात भी करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी इंतजार रहता है इस त्यौहार का। पूरे परिवार के साथ यहाँ पे लोग आते हैं, इस व्रत को करते हैं, काफ़ी इंतजार रहता है और छठ की काफ़ी महत्ता होती है। वो जो छठ की छटा है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बार फिर से अपने सहयोगी आशीष से कहेंगे कि थोड़ा सा यहाँ कवरेज दिखाएं कि कैसे जो उगते हुए भगवान भास्कर हैं उन्हें यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है और इसी के साथ लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा की समापन यहाँ पे हो रही है। तो लगातार ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के छठ घाट से कि कैसे यहाँ पे छठ घाटों पर अर्घ देने के लिए भीड़ है और उसके बाद से तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये लाइव तस्वीर सीधा हम आपको दिखा रहे हैं कि उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है और इसी के साथ लोक आस्था का जो महान पर्व है इस त्यौहार का समापन हो रहा है। ये तस्वीर लगातार सिवान के घाट से यहाँ पे लगातार आप कवरेज देख रहे हैं। कुछ और जो छठ व्रती महिलाएं हैं इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि कितनी कठिनाई हुई 4 दिवसीय जो व्रत है छठ व्रत को करने में। जो लोग अर्घ दे चुके हैं उनको आप देख सकते हैं कितना अद्भुत दृश्य, कितना अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है जो अर्घ का है। और ये सिवान के नदी तीरे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। एक मिनट मैडम, क्या कहेंगी, कैसा अच्छा लग रहा है? आस्था का पर्व है, हम लोग भी नहीं किया जाता लेकिन तब भी पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं यहाँ पर। काफी इंतजार रहता होगा इस त्यौहार, पूरा साल भर इंतजार रहता है कि आस्था है हर चीज की। 4 दिवसीय त्यौहार है, थोड़ी सी कठिनाई भी होती होगी लोग? नहीं, जब आस्था होती है तो कठिनाई नहीं होती है। ऐसा लग रहा है जब इतने सारे लोग घाटों पे और अर्घ देने का जो यहाँ पे दृश्य ये देखने के बाद ये क्या लग रहा है? अच्छा लगता है। आपने देखा कि लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, एक मिनट भैया थोड़ा सा, और कुछ और भी महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। हालांकि अब अंतिम है और जाहिर सी बात है कि हम चाहते हैं कि थोड़ी सी बात करें कि इस त्यौहार को लेकर के इन लोगों का क्या कहना है। आप देख सकते हैं यहाँ भी महिलाएं हैं, अब अर्घ के साथ साथ पूजा अर्चना ये लगभग यहाँ की जो प्रक्रिया है ये अब अंतिम रूप में है और यहाँ अर्घ की जो प्रक्रिया है ये अंतिम रूप में है क्योंकि अब उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है और इसी के साथ इस महापर्व की समापन हो रही है। लगातार ये तस्वीरें सिवान के छठ घाट से हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी कठिनाई भी होती है महिलाओं को इस व्रत को करने में और इस तस्वीर को देखिए, क्या छठ की छटा है जब एक साथ तमाम लोग घाटों पे नदी के किनारे जब उमड़ते हैं और यहाँ पे जो अर्घ देने की जो प्रक्रिया होती है उस समय का कुछ दृश्य
नज़ारा कुछ अलग ही होता है। अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा यहाँ पे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा त्यौहार है। दूर दराज से लोग पहुँच जाते हैं अपने गांव, विदेशों से भी लोग पहुँच जाते हैं, और सिवान भी हमारा पटना से कम नहीं रहा। सिवान भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कई छठ व्रत यहाँ पे महिलाएं हैं। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और इसीलिए हम रुके हुए भी हैं, क्योंकि लगातार हम तमाम अलग अलग दृश्य को दिखाना चाहते हैं। क्या कहेंगे आज का इस दृश्य को देख करके? अब तो खैर छठ समापन के तरफ, ये जो है इंतजार रहता है सूर्य भगवान को देखने के लिए, जल को अर्पण करने के लिए, और ये जो है समापन की ओर हो रहा है। और सारे लोग का व्रत जो है आज जो है बिल्कुल, ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अर्घ दिया जा रहा है और इसी के साथ त्यौहार अंतिम चरण में सिवान के छठ घाट से लाइव तस्वीरें अर्घ देने की जो प्रक्रिया है उसकी हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और बाबा भी यहाँ पे मौजूद है, शिवजी बाबा हैं यहाँ पे। बाबा क्या कहेंगे बताइए अर्घ का? अब तो समापन, हम तो यही से आते हैं। अच्छा सूर्य सत्र अंति का जो अर्घ था कितने बजे से शुरू हो गया? ये टाइम तो उनका कुछ और है, रुक कर जा में टाइम कुछ और था, लेकिन लोग का समझ में नहीं आता है। लेकिन अब जिसको जिस इच्छा करता है वो रहता है। सूर्य कितने बजे तक ये चलता रहेगा अर्घ देने का जो सिलसिला? अरे इस चित्रा जो बर्दाश्त करने वाला है बर्दाश्त करके सूर्य के जितने उदय होने पर दे तो और अच्छा है। अच्छा है बिल्कुल। देखिए इन्होंने कहा कि बर्दाश्त करने वाले बर्दाश्त कर ले, जब चाहिए तब कर सकते हैं। बर्दाश्त करना है औरतों को, वो सब औरत मरत आज करती है। बिल्कुल, तो आप एक बार फिर से इस तस्वीर को देख सकते हैं जो यहाँ पे तमाम छठ व्रती महिलाएं उमड़ी हुई हैं घाटों पे, नदी के तीरे अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो अब अपने अंतिम चरण पे है। लगातार हम कवरेज आपको दिखा भी रहे हैं कि कैसे यहाँ पे पूजा अर्चना भी चल रही है, और तमाम अलग अलग घाटों पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अंतिम प्रक्रिया में है अर्घ देने का जो सिलसिला है, अंतिम प्रक्रिया में है। और यहाँ से हम सीधे और लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कैसे अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं सामने, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कुछ महिलाएं लगातार ये कवरेज हम आपको फिर आगे भी चलेंगे और वहाँ से भी हम दिखाएंगे। फिलहाल ये सिवान का जो शिवव्रत सा छठ घाट है यहाँ से लगातार ये दिखा रहे हैं। एक मिनट बताइए क्या कहना चाहेंगे? अब तो छठ समाप्त हो गया, थोड़ा सा आ जाइए। देखिए एक महिला है, अर्घ भी दे दी है, बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग एक मिनट, तैयारी तो आप लोग बहुत, चार दिनों तक काफी कठिन होगा, जो छोटे छोटे बच्चे, चार दिन तो काफी कठिन हो गया होगा? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, माँ का शक्ति है सब। और ये बताइए कि किस लिए किया जाता है इस त्योहार को? लोग कहते हैं कि काफी मन्नत मन्नत से भी किया जाता है, ऐसे शौक से भी किया जाता है। तो अब अर्घ दे करके इस पूजा को समाप्त, जी समापन हो जाएगा। अगले साल की तैयारी इस तरह से तैयारी, पूरे चार दिन लग जाता है। छठ माता से कुछ आप लोगों ने आशीर्वाद जी? सब सब छठी माँ का तो आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं लगातार हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे घाटों पे अर्घ देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार जो हम कवरेज भी आपको दिखा रहे हैं जो नदी के किनारे है, और इसी तरीके से हम आगे भी चलेंगे और आगे चलकर भी दिखाएंगे कि छठ घाट की जो छठा है वो किस तरीके की इस बार रही, और अर्घ देने का जो सिलसिला है वो कब तक चला। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सिवा।